नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए एटीएम कार्ड का पिन आप कैसे बनाएंगे और यदि आप पुराने एटीएम कार्ड का पिन भूल गए हैं तो उसे कैसे रिसेट करेंगे। तो मैंने मशीन में एटीएम अपना एंटर कर दिया है, अब मुझे थोड़ी देर रुकना है और बस आप स्क्रीन की तरफ देखते जाना। अब स्क्रीन में जो सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है सेट एटीएम पिन, यहाँ आपको दबा देना है। ओटीपी जनरेट का सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ आपने दबा देना है। उसके बाद सबसे नीचे यस है तो कंटिन्यू करने के लिए आप यस कर देंगे। अब आपको थोड़ी देर रुकना है और आपके पास एक ओटीपी का मैसेज आ जाएगा। तो ये जो चार अक्षर का ओटीपी आया है इसको आप यूज़ करेंगे। तो अब आप मशीन से एटीएम निकाल लीजिएगा और थोड़ी देर बाद आपने दोबारा डाल देना है। अब मैं दोबारा एंटर कर रहा हूँ अपना एटीएम मशीन में दोबारा से। और सबसे नीचे ये ऑप्शन है उसमें दोबारा जाना है सेट एटीएम पिन। अब आपने दूसरा ऑप्शन ओटीपी वैलिडेट पर दबा देना है। अब जो आपका ओटीपी आया था आपने अब यहाँ एंटर कर देना है कीबोर्ड के ज़रिए। तो जो मैसेज में ओटीपी आया था हम यहाँ डाल देंगे। अब ये बोलेगा दोस्तों हमें कि आप नया पिन डालिए जो आपको पिन बनाना है। तो मैं चार आंकड़ों का कोई भी अपना मनपसंद पिन यहाँ डाल दूंगा। अब दोबारा फिर से वही सेम पिन डालना है वेरीफाई करने के लिए। इतना करते ही थोड़ी देर रुकेगा ये और हमें कह देगा कि आपका जो है पिन चेंज कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से आप नया पिन या पुराना पिन रिसेट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, वीडियो को लाइक करना। अगर आप हमारे सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।